हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज साउथ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम कर्ड राइस कहते हैं। कर्ड राइस साउथ की रेसिपी है, पर ये इतना हेल्दी और टेस्टी है कि हर जगह इसे बनाया जाने लगा है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। ये बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। कर्ड राइस बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 200 ग्राम राइस, जिसे हमने बॉयल करके स्टेन कर लिया है, 200 ग्राम कर्ड, कड़ी पत्ता, उड़द की दाल, चना दाल, राई यानी कि मस्टर्ड सीड, जीरा, नमक, हींग, तेल और धनिया पत्ता, जिसे हमने धो के बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और बड़े बॉल में हम ये राइस को डाल लेंगे। तो कर्ड राइस के लिए राइस जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट ही बॉयल किया जाता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, दही को भी मिक्स कर देंगे और इसे हम आधा मिनट तक चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे। राइस को हमने कर्ड के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो कर्ड राइस को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पे हम एक फ्राई पैन रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। पैन अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे और तेल को हम गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम उसमें तड़का डालेंगे। तो हमने मस्टर्ड सीड डाला, जीरा, चना दाल, उड़द दाल और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसे जलने नहीं देना है, जस्ट इसकी कच्चापन दूर करनी है। तड़का अपना तैयार हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे करी लीव्स। करी लीव्स डाल के इसे हम चला लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 पिंच हींग, इसे भी हम डाल देंगे और अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे राइस, जिसे हमने कर्ड के साथ मिक्स कर लिया था। तड़के में हम ये राइस को डाल देंगे और इसे हम अच्छे से तड़के के साथ मिक्स कर लेंगे। तड़के के साथ हमने राइस मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक को हम ऐसे फैलाते हुए डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक भी मिक्स हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया पत्ता। ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अपनी कर्ड राइस बन चुकी है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हम राइस को एक प्लेट में निकाल लेंगे। कर्ड राइस बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए। अगर आज की मेरी ये कर्ड राइस की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।